बाबू जी मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ और काजल काजल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो सपना से बहुत प्यार करता है ना, ऐसे लाड़ कैसे की आवाज, तुझे सपना की आवाज लगती है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी लटका देंगे मुझे, आंखें बाहर आएंगी जो बने बार लोग हमारे बारे में चर्चा करेंगे, घर जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे। तो मेरे ठाट आती मरते बैठे रहता, पान कूचा करते कमला पसंद खावा करते, उनके मुंह में दही पकड़े पूरा डांव ठवाई बहो, हम अब टी मंडलवार टा, पूरा डांव ठवाई बहो, हम अब टी मंडलवार टा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में अपने नाम का परचम लहराया, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब। इनके कॉमेडी वीडियोस हर जगह तहलका मचाए हुए हैं। अवधी और भोजपुरी भाषा को समझने वाले लोग इनकी कॉमेडी के कायल हैं। यूपी और बिहार के हर घरों में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिवार का हर एक सदस्य इनके वीडियोस पर एक साथ बैठकर ठहाके लगाता है। जहां आज के कॉमेडियन दोयम और अश्लील संवादों का प्रयोग करके कॉमेडी की गरिमा को गिरा रहे हैं, वहीं ये शख्स अपने क्षेत्रीय भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपने कॉमेडी वीडियोस में भी सोशल मैसेज देते रहते हैं। कई बड़े बड़े चैनलों पर आपको इनका इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, लेकिन नारद टीवी ने सोची कुछ अलग करने की और हम लोग पहुंच गए इनके गांव परसा महेशी। अपने इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कई दिलचस्प बातें नारद टीवी से साझा की। ये उस इंटरव्यू का पहला पार्ट है। तो आइए मिलते हैं अवधि के कॉमेडी किंग कहे जाने वाले रमेश दुबे उर्फ रमेशवा से। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। ये आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर की जो आपके पास जो आप कैरेक्टर चूज करते हैं तो बिल्कुल एकदम गांव से लगता है कि आप एक मेल हैं, लेकिन अब किसी फीमेल का करैक्टर करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो फीमेल मेल है। आप लगता है उसी में एकदम ढल जाते हैं। किसी छोटे बच्चे का अगर करैक्टर कर रहे हैं तो लगता है छोटा सा बच्चा है, एकदम पूरा सर माहौल बन जाता है। तो ये क्वालिटी कैसे आई आपके अंदर ये जाने से? देखिए सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ बैठा हूँ मैं। और रही बात की करैक्टर कैसे करता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं ये मानता हूँ कि ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे क्षेत्र के लोगों का, मेरे गांव के लोगों का, जो मेरे चाचा दादा लगते हैं उनका बड़ा प्यार रहा और उनको देखते देखते मुझे आया और मैं तो सरस्वती जी की कृपा मानता हूँ इसे। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले आपकी लाइफ की जर्नी जो है कैसे स्टार्ट हुआ। जैसा कि हम रमेश जी के गांव में पहुँचे हुए हैं, गांव से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में बैल बैठा हुआ है, गाय बैठी हुई है, पूरा एकदम पूरा गांव का नज़ारा आपको देखने में। तो हम रमेश जी के घर पर ही आए हुए हैं, हालांकि बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे रमेश जी के, तो लेकिन स्टूडियो में इंटरव्यू, लेकिन हमने एक अलग तरीके से हमने सोचा कि रमेश जी के गांव ही चलते हैं और पूरा गांव का नज़ारा आपको दिखाते हैं, उनकी शूटिंग कहाँ करते हैं कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहीं से गांव पर आपकी जो पैदाइश हुई, कैसे आपका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से हुई, कैसे आप इसको जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए मैं यहीं जन्मा, मेरा गाँव ये परसा महसी और यहीं एक प्राथमिक विद्यालय है, मैं 5वीं तक यहाँ पढ़ा। उसके बाद में एक बगल में है बाबा कुट्टी, बाबा बटोरा का स्थान, वहाँ तक 8th तक, उसके बाद में कन्हैयालाल इंटर कॉलेज करनैलगंज। तो मेरी पढ़ाई मेरे क्षेत्र में ही हुई है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर तक। और उसके बाद मैं लखनऊ चला गया, लखनऊ पिताजी के साथ रहा और मामा जी से बड़े निवेदन के बाद भारतीय नाट्य अकेडमी में मुझे प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने 3 साल फिल्म ड्रामा प्रोडक्शन का कोर्स किया और स्टेज करने लगा। तो स्टेज शो से मेरी यात्रा शुरू हुई और वहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र बड़ा कड़ा अनुभव, बड़ी मेहनत, बड़े उतार चढ़ाव और आज आप सबका आशीर्वाद है कि तमाम लोगों का प्यार मिल रहा है जो मेरे लिए सबसे बड़ा है। अच्छा, ये एक्टिंग का जुनून कब शुरू हुआ, कि मतलब आपको कब लगा कि एक्टिंग आपका एक्टर आपके अंदर कब पनपा, कि कैसा लगा कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, ये कब लगा आपको? ये बचपन में था, जब मैं 7-8 साल का था तो मैं अपनी दादी की मिमिक्री करना शुरू किया सबसे पहले। अच्छा। तो दादी हमारी जब भी हमको बुलाना होता था तो घर में वो दही मस्का होता है घी वगैरह देने के लिए, तो बड़ी तेज़ से आवाज़ दें, रमेश, ओ रमेश, ओ रमेश, तो उनको चिढ़ाने के लिए तो हम उनको उन्हीं की आवाज़ में बोला करते थे, तो वहाँ से ये शुरू हुई। उसके बाद में जीवन में पहली बार जो पन्नी का सिनेमा हॉल होता था ना पहले, पॉलीथीन वाला, तो उसमें जा करके 16 फिल्म देखी और धर्मेंद्र साहब को पहले
दादी के बाद धर्मेंद्र साहब, उसके बाद ऐसे ही शुरुआत होते रही। और स्टेज पे तो मिमिक्री से ही मेरी पहचान हुई, मिमिक्री करते रहे, लोगों का प्यार मिलता रहा। लगभग 2010 से लेकर 18 तक लगातार 8 साल स्टेज किए, लगभग 650 शो किए, और उसी से थोड़ा सा निखार आता गया। एक्टिंग का जुनून आपने पूछा तो बचपन से ही था कि हम इनको देखे हैं तो इनके जैसा कर लेंगे, उनको देखा है तो। अच्छा, पिक्चर देखते समय मैं कॉपी दोनों तरफ रजिस्टर के लगा लेता था, कॉपी और बीच में गेहूं भर लेता था। एक बोरा गेहूं ऐसे ही खत्म कर दिया हमने। फिल्म देखते तो जब माता जी को पता चला तो झाड़ू से उन्होंने जब मेरी पिटाई की, जो झिनकन का करेक्टर है मेरा, तो मैं ऐसे था भी। तो जब पिटाई हुई तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है अम्मा, अब आज के बाद गेहूं ना बेचबे, लेकिन जैसे उनका देखे के खातिर हम गेहूं बेचा है, एक दिन हम इन्हें के जैसा बनबे। तो आज लोगों का प्यार मिल रहा है, अब लगता है कि वो मेरा कहा हुआ जो मैंने शब्द कहे थे आज वो हकीकत होते नजर आ रहे हैं। बाकी आप सबका प्यार रहा तो आगे और बढ़ेगा। अच्छा, जैसे गांव में होता है कि लोग जो फोकस करते हैं, माँ बाप होते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, कोई सरकारी नौकरी करे या किसी अच्छी जगह सेटल हो जाए, ये नहीं चाहते हैं कि कोई सिंगर बने, कोई एक्टर बने। तो कैसा परिवार में भी ऐसा कुछ रहा होगा कि पिताजी मना करते होंगे, बड़े भाई मना करते होंगे, ऐसा कुछ रहा हो? हाँ बिल्कुल था। पिताजी को गाँव के लोग, हमारे चाचा दादा जो लगते हैं, वो अक्सर डराते रहते थे कि अरे लड़का आपका नचनिया निकलने जा रहा है, कोई चढ़ाते थे कोई कुछ, और इनको बॉम्बे अगर भेज दोगे तो वहाँ इनकी आंखें निकाल लेंगे, किडनी निकाल लेंगे, वहाँ लोग बेच डालते हैं, भेजना नहीं गलती से। तो पिताजी को डीमोटिवेट करते रहे लोग, और वो हमको हमेशा कहते रहे भैया इस लाइन में बड़ा पैसा लगता है, आप इस लाइन में ना जाएं, और कहाँ अतरा खेती पाती है, तोरन पीछे सब बेच डरबे, तो इस तरह का कहा करते थे। लेकिन हम उनसे चोरी छुपे कार्यक्रम करते थे स्कूल में, नाटक वगैरह में भाग लेते थे। लेकिन जब उनको लगने लगा कि चार पैसे हम स्टेज से कमा कर लाकर उनको देने लगे, तब उनको लगा कि अब लगता है कि इस फील्ड में आगे बढ़ेगा, तो उनका सपोर्ट मिलने लगा। लगभग 2-3 साल पहले से अब जा कर के चेंज हुआ सब कुछ, नहीं उससे पहले तो यही था कि जब कहीं प्रोग्राम करके लौटते थे तो हमारे गांव के चाचा दादा, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ था, अगर वो इस तरह कहे ना होते तो आज हम आगे ना बढ़ पाते, तो वो कहा करते थे भैया नाच आयो, भैया कहाँ आज नाचत रहो, अरे यार तुहार भैया नाचे पैसा कमा तो ठीक। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, उनसे सीखा मैंने। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सबने देखा होगा, कोई काहे मजाक उड़ावे भाग एक भाग दो, जिसमें मैंने वो समझ लीजिए कि अपनी ही पीड़ा दिखाई थी, और वो पीड़ा तमाम लोगों की पीड़ा निकली, और उस पीड़ा से लोगों को एक संदेश भी मिला। तो मेरा सौभाग्य था कि जो बात मैंने वीडियो के माध्यम से बताई लोगों को, वो आप सब तक पहुंची, आप सबने बड़ा प्यार दिया। स्टेज शो आपने बताया, स्टेज शो आपने शुरुआत की, सिंगिंग भी करते थे आप जी, तो क्या उसके बाद ये यूट्यूब का विचार कैसे बनना, कि यूट्यूब पर कैसे इसको किया जाए, इसकी जर्नी कैसे रही? जून 2018 की बात है, तो जून में, जून से हम लोग बैठे थे तो चंद्रकांत शुक्ला, एक हमारा भाई है चिंटू, चिंटू नाम, तो उसने कहा भैया अब यूट्यूब पर तमाम लोग सक्सेस हो रहे हैं और अपने यहाँ 4G आ गया है, 2-3 महीना हुआ था 4G शुरू हुए, तो आप यूट्यूब पर वीडियो डालो और कोई अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा कंटेंट खोजो और फिर शुरू करो। तो बात पड़ी रही गई, 20-25 दिन ऐसे बीता, फिर अचानक मूड में आया कि चलिए अवधि कॉमेडी शुरू करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा से प्यार स्वयं शुरू से था, अपनी भाषा के लिए शुरू सोच रहे थे कि करना है, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक समय और भाग्य साथ नहीं देता कुछ नहीं होता। तो पहला वीडियो बनाया भैया लोटत है, जिसे बहुत प्यार मिला, और यूट्यूब पे 6 जुलाई को हमने डाला था, मेरे भाई हैं एक रोहित दुबे, उनकी शादी के दिन ये वीडियो डाला, और हम फिर बारात में हमारा कार्यक्रम लगा था, हम लोग बारात गए, वहाँ दूसरे दिन जब लौटे तो हमें ही व्हाट्सअप आने लगा वीडियो, तो लगा कि हाँ, वो जिस समय वीडियो डाला था उस समय मेरे 400 सब्सक्राइबर थे। अच्छा अच्छा, उसका कुछ करके बताएंगे जो पहला वीडियो जो? हाँ, पहला वीडियो था जिसमें दुल्हन का भाई आता है, तो वो चाची बैठी रहती है निहुरन चाची, तो दुल्हन, अरे ओ दुल्हन, हाँ ये देखो तुम्हारे भैया आया है, और भैया ठीक है, बैठो हमारे बच्चा बना रहा हूँ, हाँ हाँ, और देखो ये झाड़ू क्या था, हटाओ ये, और भैया ठीक ठाक रहा था, मजम रहा था, हाँ काहे से बप, सांस तो उनके फूलते हुई, हाँ सांस तो फूलते हुई, तिलकिया चढ़ावे लगे तब भी उनके सांस फूले लग रहा, तय के गिर कैसे जाओ चढ़ाएन 11 तब भी जाना, और का हाल है तोरे बप्पा के, ठीक रहा था, कहे से भैया कि जब शादी तय भय तो तार बप्पा कहें कि हम 21 साड़ी चढ़ाई, अब आई जानते कतरा रहा 5 ठो सब 3 से वाली,
लाओ लाओ पानी पिए के लाओ, और ये देखो भैया लोटा था। तो ये ये एक ऐसा वीडियो था कि लोगों ने बहुत प्यार किया, एकदम सच्चाई थी। और मैं अक्सर ज़्यादातर वीडियो में सच्चाई दिखाता हूँ कि एकदम ये ना लगे कहीं से एक्टिंग की गई है, क्योंकि एक्टर तो बॉलीवुड के लोग करते हैं, बड़े बड़े स्टार करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो आपके बीच हो रहा है उसी को प्रस्तुत कर दूँ, एकदम से आईना आपको दिखा दूँ कि कल मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा लगे। और आगे प्रयास है भैया, आपका सहयोग रहा और आपका आशीर्वाद रहा, तो आगे वो घर घर से कलह खत्म हो, भाई भाई बंटवारा खत्म हो, बहुत सारे विषय पे काम करना है। आपको मनोरंजन भी देंगे और आपको प्यार भी देंगे और साथ साथ संदेश भी, यही प्रयास है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर आप उठाते तमाम, जैसे लुटावन का सम्मुखन चाची हैं, चैतराम हैं, और ये कनऊलाल भैया हैं, ये सारे कैरेक्टर मतलब एकदम लगता है रियल लगते हैं, जीवंत लगते हैं, ऐसा लगता है कि अपने आसपास के बगल का पड़ोसी हो। ये कनऊलाल कैरेक्टर है, या लुटावन चाचा, निहोरन चाची, समोखन, या नंगा मिसिर, चैतराम जी, झिनकन, ये सब कैरेक्टर मैं कहाँ से लाया हूँ, मैं तो मानता हूँ कि माता जी की कृपा है, भोले बाबा का आशीर्वाद है। मैं कोई भी वीडियो करता हूँ तो रात को सोचता हूँ और सुबह प्रस्तुत कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कभी लिखा नहीं आज तक की कोई स्टोरी, और आगे भी मेरा यही प्रयास है कि मैं जो भी करूं अच्छा करूं, लोगों को अच्छा लगे। तो कनौलाल का करेक्टर जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने किया ऐसे ही कि कनौलाल का एक प्रयोग करके देखें। एक नंगा मिसिर है, तो नंगा मिसिर है तो उनका भी एक करेक्टर है, मेरे चाचा से थोड़ी मिलती जुलती आवाज़ है। एक मेरे चाचा थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन्हीं की तरह मिलती जुलती आवाज़ है उनसे। तो जो होता नहीं कि गांव में जब लोग किसी से कोई बातचीत करते हैं तो उनका एक अलग अंदाज होता है, कि कहीं से नया कपड़ा पहन के गांव का कोई व्यक्ति अगर निकलता है तो कोट पैंट पहन के, या पैंट शर्ट या जीन्स टी शर्ट पहन के, तो गांव के कुछ लोग होते हैं जिनकी आज भी ये मानसिकता है, तो उसको रोक करके बोलेंगे, कारे आज बड़ा बढ़िया पहरे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, नवे लाए हो के दिए थी, फूफा उफा तो ना ही खरीद दी। तो उनको ये लगता है कि आज भी ये बहुत पीछे है बेचारा, ये खुद स्वयं नहीं खरीद सकता, यानी एक खिंचाई करने में लग जाते हैं और इतना तक खिंचाई कर देते हैं कि कितने के लियो, उसके बाद अगर वो कहता है कि भैया 500 का पैंट लिया, अरे 500 का पैंट ले लियो, जा 100 रुपये आओ लगते हो नवा ले लेते हो, 100 रुपये आओ लगते हो नवा ले लेते हो, मतलब पुराना ले आए हो, तो इतनी तक खिंचाई होती है। और यही सबसे देखते देखते कनौलाल, नंगा मिसिर, इनको सबको इनका जन्म हुआ है, और आगे तमाम कैरेक्टर जन्म लेने वाले हैं। एक भौकाली बाबा आए हैं। अच्छा। और इसके बाद डॉक्टर सलाहू सिंह आने वाले हैं आप सबके बीच, जो बहुत अच्छी सलाह से दवा करते हैं लोगों की। अच्छा। और महिलाओं में भी तमाम पात्र मिलेंगे, बाकी खबरीलाल की वाइफ के बाल बच्चे होने वाले भी हैं। अच्छा, खबरीलाल। हाँ जी।